नाइन्थ क्लास बेटा, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ, इसी चैप्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम आपको एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम जितना बेटा स्टार्टिंग में होता है उतना ही क्या होता है आपका बाद में होता है। यानी कि जो आपका मोमेंटम है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्लियर बात। ओनली क्या होगा बेटा, आपका चेंज हो जाएगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ इसको। जैसे मान लिया जाए बेटा, ये कोई दो बॉडी है आपके पास, एक का मास m1 है एक का मास m2। इसकी वेलोसिटी मान लिया ये u1 से चल रही है और ये बेटा आपकी मान लिया u2 से। इन दोनों का आपस में कोलिजन हो गया जब u1 इज ग्रेटर देन क्या है बेटा आपका u2। तो जैसे ये कोलाइड करेंगी, तो कोलाइड करने के बाद आप जानते हैं कि इनकी जो वेलोसिटी होती है बेटा वो एकदम से क्या होंगी आपकी इफेक्टिव होंगी। यानी कि किसी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी किसी घट जाएगी, तो यानी कि वेलोसिटी में चेंज होगा। तो जैसे ये अलग अलग होगी दोबारा से चली, तो ये M1 और ये M2, मैंने मान लिया कि ये V1 से मूव कर रही है और ये बेटा आपकी V2 से। बात क्लियर है बेटा? ठीक है, तो यानी कि आप कहने लगे कि जितना मोमेंटम स्टार्टिंग में होगा उतना ही मोमेंटम कहां होगा बेटा आपका लास्ट में। मींस इन दोनों का मोमेंटम देखिए आप लोग, आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मोमेंटम। तो एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, ये क्या होगा बेटा आपका इनिशियल मोमेंटम, जो कि बराबर होना चाहिए किसके बेटा, m1 v1 प्लस m2 के लिए बेटा बात। यानी कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के हमेशा बराबर होना चाहिए। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम बोला जाता है। क्लियर बात। अब बात है इसको प्रूफ कैसे करें। तो प्रूफ करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, हमने सेकेंड लॉ का हम इसमें यूज करेंगे। सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, सेकेंड लॉ बताता है बेटा आपका जो फोर्स होता है। ठीक है, जो फोर्स होता है, मैंने मान लिया कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट बॉडी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट बॉडी, आपको पता है ये किसके बराबर होता है बेटा आपका डीपी अपॉन डीटी। डीपी अपॉन डीटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस चीज को हम जानते हैं बेटा। ठीक है, तो यानी कि डीपी अपॉन डीटी को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ये लिख सकता हूं मैं इसको एम वन वी वन माइनस एम टू और आपका यू वन अपॉन, सॉरी एम वन यू वन, क्योंकि इनिशियली ये जो डीपी है ये किस चीज को बताता है बेटा, ये बताता है पी टू माइनस पी वन को। यानी कि दो चीजों का डिफरेंस, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना होगा बेटा आपका एम वन वी वन होगा पहले वाली का, और इनिशियल कितना होगा बेटा आपका एम वन यू वन। तो मैंने मान लिया कि जो टाइम लगा इसमें कितना है बेटा आपका, वो है टी। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं बेटा मान लिया एफ वन। क्लियर है बात। सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकेंड बॉडी की अगर मैं बात करूं, तो फिर से ये किसके बराबर, इसको मैं बेटा पी वन कह देता हूं, ये होगा डीपी टू अपॉन डी टी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एम टू हो जाएगा और क्या हो जाएगा बेटा आपका वी टू माइनस एम टू यू टू अपॉन, टाइम कितना है बेटा, टाइम तो टी है आपका फिर से। क्लियर है बात। तो ये मैंने मान लिया कितना है बेटा आपका एफ टू। क्लियर है बात। लेकिन जो आपका न्यूटन का थर्ड लॉ मीन्स एक्शन रिएक्शन होता है, तो वह हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है बेटा कि F2 बराबर होना चाहिए F1 के, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। तो माइनस साइन हम इसमें यूज करेंगे, और जैसे हम इसमें माइनस साइन यूज करेंगे तो F2 कितना है बेटा M2 V2 माइनस M2 U2 अपॉन T बराबर M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन, तो T से T क्या हो जाएगा बेटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब आप इन दोनों को एक दूसरे के, तो आपके पास बचा क्या, चलो मैं पहले लिख देता हूं एम टू यू टू बराबर एम वन वी वन और माइनस कितना बेटा आपका एम वन, सॉरी ये माइनस यहां पे, तो ये माइनस जो है आपका इसको तो माइनस कर देगा और इसको क्या कर देगा बेटा आपका प्लस कर देगा। तो अब यू वाले एक तरफ ले लो, वी वाले एक तरफ, तो यू वाला ये जब इधर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा बेटा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू,
और ये बराबर हो जाएगा किसके, टाइम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। तो आप देख सकते हैं बेटा ये कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा किस चीज को फॉलो करता है बेटा, आपका कंजर्वेशन को फॉलो करता है, वो कंजर्व होता है हमेशा, ठीक है।